देख सकते हैं यहाँ पे मिठाइयाँ भी हैं खाने के साथ साथ, और पाकिस्तानी खाना है वेज और नॉन वेज। सिस्टम होता है कि आप लोग आते हैं और खुद ही प्लेट उठाते हैं, प्लेट उठा के आप खुद ही जो भी आपको अच्छा लगे जैसा लगे आप खुद ही खाना सिलेक्ट कर लें, खाना अपनी प्लेट में भर लें और बैठ के खा लें। बैठा हूँ जी दया भूमि कॉम्प्लेक्स के सामने बिल्कुल, और यहाँ पे जो फ्री बस का जो मामला है ना, जिसको गोकेल कहते हैं, वो सब एक ही कलर की बसें हैं और उन्हें में लिखा हुआ है ब्लू ग्रीन पर्पल इस तरह, तो चार लाइनें हैं तो सब का कलर एक ही है भाई। अगर आपने ब्लू रेड किए हैं तो उनका कलर भी चेंज करो ना, तो पता तो चले बंदे को कौन सी बस है और कौन सी नहीं। और वो एक तो जाके ट्रैफिक में जाम हो जाती हैं, उनमें पैसे बचाने के लिए आप सफ़र तो कर सकते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। म्यूज़ियम के एंट्री के लिए कोई ख़ास नहीं है, आपको आना है रिसेप्शन पे, सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है, फॉर्म में सिर्फ नाम है, कंट्री है बस, वो लिखनी है और फ्री एंट्री है इसकी, आप आके घूम सकते हैं। इस म्यूज़ियम में यह है कि हाथ से वीविंग कैसे की जाती है, हाथ से जो पुराने ज़माने में लोग स्टिचिंग करते, वीविंग के बाद स्टिचिंग करते थे, वो सब कुछ दिखाया हुआ है। ये एक छोटा सा म्यूज़ियम है टेक्सटाइल का, इसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी की टेक्निक्स हैं, कुछ स्टिचिंग की टेक्निक्स हैं जो ओल्ड ज़माने में ये मलाशियन की जो हिस्ट्री है वो लोग करते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो सिलाई मशीनें यूज़ होती हैं यहाँ पे, ये एज ए म्यूज़ियम में ये मशीनें पड़ी हुई हैं और पाकिस्तान में अभी लोग यूज़ करते हैं। अगर तो आप घूमने आए हैं एज ए टूरिस्ट हैं तो आपको ये बोरिंग ही लगेगा। ये जो ज़ेबरात हैं ये जानवरों के दांतों से बनाए गए हैं। चाइनीज़ स्टाइल टाइप ट्राउज़र पहनते थे और इसके अलावा लेडीज़ का ड्रेस कुछ इस तरह का था ना। ये जी कुछ सैंपल्स हैं, इसमें जो स्क्रिप्टेड टेक्सटाइल है इसका मतलब कपड़ों पे जो लिखा होता है कुछ, तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्टेड टेक्सटाइल। तो इसमें जो है वो है कि इस्लामिक कैलीग्राफी की गई है माले लैंग्वेज में। यहाँ पे मैं आपको कुछ मलेशियन ट्रेडिशनल क्लास दिखाता हूँ। Oh, it's okay.